हेलो दोस्तों, आज ये मेरा पहला व्लॉग है। आज हमारा यूट्यूब का, यहाँ जो नैनीताल में लोग हैं उनका आज मीटअप है। तो आज हम कहते हैं आपको, जो यूट्यूब फैमिली है अपनी नैनीताल में, उनसे आपको मिलाएंगे और देखते हैं आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए, अभी हम नैना देवी मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम आगे को बढ़ते हैं। और ये कितने नैना देवी का मेन मंदिर है यहाँ पर। अब आगे चलो दोस्तों, आगे बढ़े। और ये अभी यहाँ पर फड़ लगी है, हमें अभी यहाँ कैपिटल सिनेमा के सामने आगे ही मिलना है। जैसा हमारे जिसान भाई ने हमें मैसेज किया था, तो चले आए नीचे, देखते हैं कहाँ पर हैं सभी। तो लेट्स गो। ये चाय सुट्टा बार है यहाँ पर बगल में, और बगल में कैपिटल सिनेमा भी है, काफ़ी पुराना है यहाँ पर। और ये सामने जूम लैंड है, यहाँ वीडियो गेम पार्लर भी है, बचपन में हम लोग यहाँ खूब खेलते थे। अभी हम कहते हैं चिल्ड्रन पार्क पहुँच चुके हैं, और ये अमित भाई, पिंकी मैम भी हमें मिल गई हैं, और ये अदिति मैम भी मिल गई हैं हमें। तो चले मिलते हैं आगे हमारे जैसन भाई, उरुस भाई, हमें सब मिल गए यहाँ पर जहाँ हमें मिलना था। ये अमित भाई के कुछ फ्रेंड्स हमें मिले हैं जो उनकी वीडियोस देखते हैं, और उनसे मिलके अमित भाई को बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी अच्छा लगता है जब हमारी दुकान में कोई आता है और हमें पूछता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग पूछते हैं। तो अभी हम कहते हैं यहाँ इंट्रोडक्शन लिया जा रहा है सबका, जैसे हमें सबका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और सब अपने बारे में बता रहे हैं कि हम यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी और किस सीजन कब से की थी। और कहते हैं ये देखिए, ये आयशा हैं जिसान के साथ आई हैं। हेलो। और ये अभी कुछ बातचीत होने वाली है उरुस से, कुछ कुछ अपने स्टार्ट ही कर रहा था। मैं बताऊँ, मैं बचपन से जब से पढ़ रहा हूँ स्कूल्स में, तो मेरे को काफ़ी सारा ट्रोल मिलता था अपने नाम से लेके कि महंगा कैसा नाम है तेरा। तो फिर ना उस चीज़ को मेरे को बड़ा हर्ट होता था, तो फिर मैंने अपने नाम से चैनल बनाया जिससे कि मेरे को अपना नाम ना बताना पड़े किसी को। तो अब मेरे को सच में कहीं जाता हूँ तो सच बता रहा हूँ, नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और इससे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है जो भी चल रहा है। एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात कही उरुस ने, बहुत अच्छी बात बोली। बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने खुद के नाम को साबित करने के लिए चैनल बनाया, और बहुत अच्छी बात है। और आज आप साबित भी कर चुके हो, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप आगे और खूब आगे जाओ। सर, आप मानेंगे नहीं, मैं दिन में 20 बार अपना चैनल खोल के देखता हूँ और अपने नाम के लिए आगे देखता हूँ। 7000 तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया है ये 7000, क्या 7 लाख भी होंगे, इससे ज़्यादा भी होंगे। सर बहुत बढ़िया है जी। सर चलिए, थैंक यू सर। और क्रिएट करूँ उसके नाम से, और जिसान भाई अभी आ रहे हैं, हर किसी के जवान में आए और वो आज आ भी रहा है। इनके पर्यटक मतलब जो दूर दराज से आते हैं, इनके सब्सक्राइबर आते हैं, इनसे मिलते हैं, इनसे सेल्फी लेते हैं, तो काफ़ी इनको अपने नाम से बेनिफिट मिल रहा है। और अब हम चलते हैं आज स्टूडियो वालों से बात करते हैं। मैं चलता है यहाँ पे, लोकल टूर्नामेंट चलता है, तो ये ब्लॉग बना रहे थे वहीं पे, मैं भी ब्लॉग बना रहा था, वहीं पे मिले थे, तो हमने नंबर एक्सचेंज डाल के हैं। और तब से ही मेरे सबसे छोटे हैं, इनके ब्लॉग देखता हूँ, तो काफ़ी मुझे इनके ब्लॉग पसंद भी आते थे। बीच में इन्होंने पेपर की वजह से ब्लॉग बनाना बंद कर दिए थे, तो मैंने इनको कॉन्टैक्ट करा कि आप डेली ब्लॉग बनाइए, क्योंकि आपके जो ब्लॉग में लोग पसंद कर रहे हैं और आपके जो, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और इसमें एक चीज़ है कि सब्र और हार नहीं मानिए कि हमारे व्यूज कम आ रहे हैं या हमें हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। अभी हालांकि इनके व्यूज थोड़े कम आ गए, डाउन हो गए, लेकिन सर हम लोगों ने कैसे कैसे दिन देखे आपको याद है? हमने ऐसे दिन देखे हैं कि अभी मैं इसमें भी गया था, मतलब तकरीबन 3 महीने पहले हम व्यूज और मैं साथ में गए थे, तो हाँ 1 साल पहले, तो मेरे तकरीबन 1500 सब्सक्राइबर थे। तो वहाँ पे मैंने कहा था यार कि मेरे 1500 सब्सक्राइबर, लेकिन मेरे 450 व्यूज आने चाहिए। बड़ा बुरा बुरा लगा था उस टाइम मुझे, तो उस टाइम मेरे जो व्यूज़ आते थे 80, 100, 70 ऐसे व्यूज़ आते थे, तो बड़ा मुझे मतलब हौसला नहीं बढ़ता था मेरा। तो मैंने कंटिन्यू, मैं फिर मैं हार नहीं मानी और ब्लॉग बनाते गया, तो आज मेरे तकरीबन 1000 से पार मेरे व्यूज़ जाते हैं, और तकरीबन मेरी पहली पेमेंट भी आ गई है। तो उनका भी आज हम यही चाह रहे हैं कि इनके भी जो व्यूज़ है आज ऐसी जाएँ, तरक्की में जाएँ और सब्सक्राइबर इनके बढ़े। तो आपके जो डेली जो ब्लॉगिंग करते हैं आप, तो तकरीबन आपको कितने महीने हो गए? ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स हो चुके हैं। 6-7 मंथ आपको हो गए,
तो आप उसमें क्या दिखा रहे हैं डेली व्लॉग में? डेली व्लॉग में मतलब लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, लाइफस्टाइल एंड नैनीताल टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए। नैनीताल के कुछ सीन्स होते हैं, कुछ सिनेमैटिक्स होते हैं जी, एंड अपनी मतलब अपनी आर्ट्स का भी मैं आर्ट वो करता हूँ जी। और इनका ना आप चैनल आप इनके ब्लॉग में जाके और इनके चैनल में जाके देखना, तो जो ड्राइंग होती है ना आर्ट, ये आर्ट इतनी प्यारी बनाते हैं ना, मैं आपसे क्या कहूँ। आप जब इनके आर्ट देखोगे और इनके जब देखोगे ना आर्ट, जब ये चित्र बनाते हैं तो आप देखना कि आपको दिल छूने वाले चित्र बनाते हैं। अभी आपने किस किस के बना दिया आज? अभी ऑलमोस्ट मतलब मैं 700 ड्राइंग्स बना चुका हूँ। देखिए 700 स्केचेस एंड 400 की ऑलमोस्ट पेंटिंग्स हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और अभी आप नैनीताल में आपने जो ब्लॉग बना रहे हैं, आपका क्या नेक्स्ट टारगेट क्या है, आप कहाँ के ब्लॉग बनाएंगे नेक्स्ट? अभी फुल उत्तराखंड का, फुल उत्तराखंड का। एंड एग्जाम्स खत्म होते हैं फिर उसके बाद मस्त ट्रैवल वगैरह करने का प्लान है जी। तो अभी आपके कितने सब्सक्राइबर हैं? ऑलमोस्ट 400 है। तो उम्मीद करूँगा कि इनके आज तकरीबन 50-100 मतलब 500-600 तो पहुँच ही जाएँ और इनका भी जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो। तो अभी आपका मोनेटाइज नहीं है, तो आपको कितनी हुआ है कि आपका जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो? देखिए मेहनत तो करते रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे इस बात का फुल भरोसा। और मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, हार मत मानना आप और हौसला मत तोड़ना कि यार मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहे हैं। आपके होंगे और आपको कहीं पर कुछ दिक्कत आती है इसमें, आपको जब चैनल बनाते हैं या कॉपीराइट ऐसे कुछ इनसे बात हो रही है, जुसान भाई की बात हो रही है, तो ये देखते हैं क्या बात हो रही है। तो देखिए इस टाइम हमारे सामने नए ब्लॉगर जो आ चुके हैं, अभी हमने एक दूसरे इंट्रोडक्शन करा और अभी जो है हमारे आप नैनीताल में लोकल के हैं। देखिए ये भी लोकल के हैं और आप जो है नैनीताल में मतलब डेली ब्लॉग करते हैं? काइंड ऑफ डेली ब्लॉगिंग ही है मेरा ना, तो हफ्ते में 2-3-4 कभी कभी डेली भी आ जाता है, तो मेरे को जैसे मतलब टाइम मिलता है वर्किंग में जी। तो आप किस उस पे ब्लॉग बनाते हैं? मेरा कोई मौज मस्ती रहता है, थोड़ा पिकनिक टाइप का, फनी टाइप का, फन लविंग हूँ मैं, तो मतलब फनी मेरी वीडियो रहती ज्यादातर मतलब मस्ती वस्ती करते हुए जी। तो आपका चैनल का नाम एक बार बता दीजिए? मेरा पिंकी फैमिली ब्लॉग है, पिंकी फैमिली ब्लॉग करके इनका चैनल का नाम है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो अभी तक हमने जो आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो कितने लगभग कितने मंथ हो गए? मेरा 10 मंथ हो गया, मैं लास्ट 9-10 मंथ हो गए। और मैं आपको एक खुशखबरी और दे दूँ, मैम भी हमारे एक सब्सक्राइबर आज पूरे होने वाले हैं और 1K में इनके पहुँचने वाले हैं और 4000 वॉच टाइम भी इनके जल्दी से जल्दी पूरी करिए ताकि इनके मोनेटाइज जल्दी से जल्दी हो और इनके भी ऐड आने शुरू हो जाए और डॉलर बनने में 90 शुरू हो जाए, तो इनको फुल सपोर्ट करिएगा। और अभी तक आपको चैनल में कोई दिक्कत हुई? मतलब जैसे कुछ मतलब स्टाइल या क्लेम या एडिटिंग करना या कॉपीराइट क्लेम? तो मेरे इसमें मतलब ऑलमोस्ट सारी वीडियोज में, क्योंकि मेरे को सॉन्ग्स बहुत पसंद है तो मैं सॉन्ग्स खुद ही ऐड कर देती हूँ, खुद गा भी लेते हैं हम लोग पीछे जो भी रहता, तो मैं हर वीडियो में ज्यादातर मैं कॉपीराइट क्लेम है, तो मैंने सुना था अभी तो कोई परेशानी नहीं है, ऐसे बाद में शायद मतलब फ्यूचर में आपको आने वाले जब आपका मोनेटाइज हो जाएगा ना, तो आपको काफी दिक्कत हो जाएगी, कॉपीराइट क्लेम पड़ जाएगा, तो आपका फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप नॉन कॉपीराइट लगाइए। मैं कोशिश करूंगी, हमको आज पता चला कि आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप आज से ही आपके 1K सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो आपका मोनेटाइज दिल मार के मैं गाने हटा दूंगी सर, गाने बहुत पसंद है। या तो जब आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा तो आप रूम में जाके उसमें म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें बेनिफिट नहीं होता है। तो यही गाना है उसका थोड़ा सा हमने काट दिया, दो शब्द के बाद हमने थोड़ा सा काट दिया, 15 सेकंड मतलब कितने सेकंड? 15 सेकंड जैसे कोई लाइन बताओ आप, मैं बताता हूँ, जैसे आप काट करके डालोगे ना तो क्लेम नहीं आता, 15 सेकंड का सिस्टम को पता नहीं चल पाता है, 15 सेकंड का रहता है, 15 सेकंड में कोई क्लेम नहीं आता है ना कॉपीराइट स्ट्राइक, 15 सेकंड का रहता है, लेकिन फिर भी हम ये करते हैं क्योंकि क्या पता कब हमें स्ट्राइक पड़ जाए या ये है। तो आपको और कुछ पूछना है यूट्यूब के बारे में? चलिए अब हम कांटेक्ट में आ गए हैं और मैम का जो चैनल का लिंक है वो हमारी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है वो मैम को भी सब्सक्राइब कीजिए और इनके भी व्लॉग देखिए, क्योंकि हमारे व्लॉग देखते देखते आप थक गए होंगे, थोड़ा और व्लॉग देखिए और हम व्लॉग लाएंगे। तो मैम आप मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही बात हो रही है अदिति से, किसान भाई की आइए सुनते हैं। तो आप पहले अपना चैनल का नाम बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम है अदिति खुराना ब्लॉग्स। अदिति खुराना ब्लॉग्स इनका चैनल का नाम है, तो इनका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप पहले ये बताइए कि आपको जो जर्नी आपने स्टार्ट कर दी है लगभग आपको कितने मंथ हो गए? तो मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ अभी। कोई नहीं, 1 महीना, 1 साल भी हो जाएगा, 1 साल एक पूरी मतलब लाइफ इसी में चली जाएगी हमारी ब्लॉगिंग करते करते, ये तो यह है। तो आपने मतलब आपको इसमें ब्लॉगिंग करते हुए कुछ मुश्किल कठिनाई का सामना करना पड़ता है?
कठिनाइयाँ अभी मतलब जैसे आप व्लॉगिंग करती हैं या पब्लिक प्लेस तो में मैंने देखिए ज्यादा वीडियोस तो मैंने बनाए नहीं है, पब्लिक प्लेस में तो मैंने शायद ही कुछ कोई वीडियो बनाया हो जी, लेकिन जो आप व्लॉगिंग करती हैं, आप काफी अच्छी व्लॉगिंग करती हैं और मैंने आपके व्लॉग देखे भी हैं। वैसे बेसिकली मुझे घूमने का शौक है जी, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं जहाँ घूमने जाऊँ वहाँ के वीडियोस बनाऊँ, वहाँ की वीडियोस नई नई जगह दिखाऊँ लोगों को। तो अभी तक आपके कितने सब्सक्राइबर हो गए? अभी तो 200 भी नहीं पहुँचे। चलिए, जो हम मीटअप का मतलब ये होता है कि लोगों को पहचाने और सब्सक्राइब गेन हो, सब्सक्राइब बढ़े। तो आपका मेन मोटिव मकसद क्या है आपका व्लॉगिंग करने का? तो मेरा मकसद तो यही है कि नैनीताल मेरा शहर है, मेरा घर है जी। तो मैं इसको प्रमोट कर सकूं बिल्कुल, और नैनीताल के आसपास की जगह भी प्रमोट कर सकूं। बाकी जो उत्तराखंड है हमारा जी, उसका कल्चर, उसका आर्ट, जो हमारे ट्रेडिशन है जी, उसके ऊपर कुछ काम कर सकूं। अभी प्लान तो यही है, कितना कर पाऊंगी ये पता नहीं, पर कोशिश करूंगी कर सकूं। तो अभी तक हम जो आपने ब्लॉगिंग अभी तो खैर पब्लिक प्लेस में नहीं करी है, लेकिन जो आप ब्लॉगिंग अभी तक आपने कितने ब्लॉग बनाती होंगे? मुश्किल से 6-7 ब्लॉग अभी तक आपकी जर्नी स्टार्ट करी है आपने यूट्यूब में। तो चलिए, उम्मीद है ये है कि हमारी तरफ से जो हमारी तो खैर हमारी पहली मेरी जो पहली पेमेंट भी आ गई है और मेरे 6,500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो मेरी तो यही फुल सपोर्ट है आपको कि आपके भी सब्सक्राइब हो, जिन्होंने जो मेरी यूट्यूब फैमिली है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, अतिथि मैम को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इनका चैनल का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग सपोर्ट कीजिए बिल्कुल, और जो जैसे आप सपोर्ट करेंगे वैसे हम आपको आगे आगे नई नई चीजें दिखाते रहेंगे बिल्कुल। तो आपका मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहते हैं तो जो देख रहे हैं, जो पहली बार ब्लॉग देख रहे हैं, तो आपका मेरे चैनल में आने दिस इज द राइट टाइम टू मेक द ब्लॉग। तो आपका चैनल का क्या नाम है? अमित शाह फोटोग्राफी। और जी, आप अमित शाह फोटोग्राफी मेरे चैनल का नाम है। तो आपने जो डेली ब्लॉगिंग करना जो आप यूट्यूब में स्टार्ट करा, उससे पहले आप फोटोग्राफी करते थे और ये फेमस फोटोग्राफर हैं इनकी, मतलब मैंने कई बार बता चुका हूँ और जब तक ब्लॉग में आते रहूँगा बताते रहूँगा और इनका नाम मैं लेते रहूँगा हर बार। तो आपने जो यूट्यूब में ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करा और जो आप यूट्यूब में ब्लॉग बना रहे हैं, अलग अलग तरह के ब्लॉग बना रहे हैं, आप यूनिक सीरीज में ब्लॉग बना रहे हैं, तो आपका मेन मकसद क्या है ब्लॉग बनाने का? और आपकी जो मैंने आपको जो मोनेटाइज भी हो गया आपका, तो मेरी सारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका मोनेटाइज हो गया है और लगभग आपके अगले महीने मार्च में शायद पेमेंट भी आ जाएगी। तो उसके लिए हम एक पार्टी रखेंगे, आप पार्टी लेंगे। तो आप ये बताइए कि आपको इसमें कितना स्ट्रगल करना पड़ा मोनेटाइज करने से लेके और पहली पेमेंट आने तक? देखिए, स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ा, स्ट्रगल तो करना है, हर चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है जी। फोटोग्राफी में भी 8 साल से कर रहा हूँ मैं, तो स्ट्रगल तो अभी भी कर रहा हूँ। और जहाँ तक यूट्यूब की बात है, तो यूट्यूब स्टार्ट किए हुए मुझे करीब करीब 7-8 महीने हो गए होंगे, 7-8 महीने। और लेकिन अभी कुछ मैंने वीडियो डाले थे तो इतने ज़्यादा चले नहीं वो जी, और बहुत कम लोग देखते थे, कोई 50 भी होते थे, किसी ने 60 भी होते अभी हाल तक। ठीक है, अभी थोड़ा मेरा चलना स्टार्ट हुआ जब बर्फबारी हुई, तो मैंने कंटिन्यूस रोज 2-3 वीडियो बनाए और वो काफ़ी चले मेरे जी। तो अभी जो है यूट्यूब के तो मेरे 3,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं अभी अचानक से, सिर्फ 1 महीने के अंदर में, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी मेरा थोड़ा जोश आ रहा है जी। तो आपको जो पहली पेमेंट आपको यूट्यूब से मिलने वाली है, तो आप कितना हुआ है? हाँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि कोई काम स्टार्ट किया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं फोटोग्राफी करते हुए तो मुझे 8 साल से ज़्यादा हो गए जैसे मैंने बताया जी, लेकिन जब ये डेली ब्लॉग बना रहा हूँ तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं राह चलते मिल जा रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं और साथ में मिलते हैं, फोटो खिंचवा रहे, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्योंकि नाम पाना तो किसे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो इसमें भाई छुपाने वाली बात तो है नहीं, तो ये है कि लोग पहचान रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बात है, तो ये सबसे बढ़िया लग रहा है जी। तो और मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तो आप नैनीताल के ब्लॉग बना रहे हो, आपका इरादा है उत्तराखंड के ब्लॉग बनाने का? जी जी, जो टूरिज्म प्लेस है वो दिखाने का। देखिए, ऐसा है कि मैं वैसे ट्रैवल काफ़ी करते रहता हूँ, तो अभी तो फिलहाल नैनीताल में हूँ, तो नैनीताल से बाहर जाऊँगा। तो अब मैं पहले वीडियो बनाता नहीं था क्योंकि गया तो बहुत सारी जगह लेकिन कभी वीडियो बनाए नहीं, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि जहाँ भी जाऊँ तो अपने साथ कैमरा तो साथ में होता ही, वीडियो जरूर बनाऊँ बिल्कुल। तो जैसा आपने जानकारी दी, तो ये हमारे व्यूअर्स को आज हम मीटे पर सबको जानकारी पा, खुशी हुई होगी। तो आपका मेरे चैनल में आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका जिसान भाई, बड़ा अच्छा लगा। और मैं सबसे फिर से कहना चाहूँगा, जिसान भाई का वीडियो है और जिसान भाई की वीडियो जरूर देखें आप लोग, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, इनके सपोर्ट करें, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। थैंक यू, वेलकम।
तो अभी जसान भाई अनमोल भाई का इंटरव्यू ले रहे हैं, आइए सुनते हैं। लास्ट हमारी जो ये ब्लॉगर हैं इनको मैंने अपने सामने पेश मतलब ले आया हूँ, पेश किया। तो आप पहले अपना चैनल का नाम बता दीजिए कि आपका चैनल का क्या नाम है। मेरे चैनल का नाम ट्रैवल विद नेगी जी है। ट्रैवल विद नेगी जी इनके चैनल का नाम। और मैं बता दूँ शॉर्ट वीडियो बनाते हैं हम, तो खैर ब्लॉगिंग जो हमारे ब्लॉग होते हैं कम से कम 8-9 मिनट के होते हैं, 15 मिनट 20 मिनट भी पहुँच जाते हैं, लेकिन जो इनकी शॉर्ट वीडियो होती है वो तकरीबन कितने सेकंड की होती है आपकी? 30 सेकंड की उनकी। आपने अभी नैनीताल की शॉर्ट बनाए? हाँ, नैनीताल की शॉर्ट बनाए और बाहर के भी बनाए हैं जी। मैं पिछले साल कहते हैं सितंबर में फर्स्ट ट्रैक करा था जी, तो इस टाइम से मैंने स्टार्ट करा है, कहते हैं शॉर्ट्स वीडियोस बनाना जी, अभी स्टार्ट ही कर रखा है। स्टार्ट कर रखा। तो आपके जो सब्सक्राइबर हैं कितने हैं? सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी तो जी, बढ़ेंगे आजकल के बढ़ेंगे। मीटअप करने का मकसद ये होता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर जो हैं दूसरों को मतलब सपोर्ट करें, देखें भाई। ये होना चाहिए, कंटेंट में दम होना चाहिए हमारे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठा के किसी भी वीडियो उठा के अपने उसमें अपलोड करते हैं, ऐसा नहीं है। ओरिजिनल कंटेंट हो या ओरिजिनल वीडियो जो ब्लॉगिंग हो, जैसा हम करते हैं ना आजकल ये चल रहा है जो हमारे अभी अमित साधी हमारे, तो मैं अभी चैनल में देख रहा था कि इनके जो स्नोफॉल की वीडियो थे ना, ब्लॉग थे, वो किसी और ने भी अपलोड कर रखे हैं। हालांकि इसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, लेकिन वो अभी चैनल का मुझे पता नहीं चल रहा है कि किसने अपलोड करे थे, क्योंकि मैं स्लाइड कर रहा था यूट्यूब में, तो वो चैनल 2-3 वीडियो मुझे दिख गई थी, तो वो किसी और ने भी डाल रखी है। तो ये नहीं होना चाहिए यार, अपने खुद का कंटेंट बनाओ, खुद का ब्लॉगिंग करो यार, खुद में भी दम होना चाहिए। पहले हम भी ऐसे थे, हम नहीं बोल पाते थे, लेकिन आज हमने खुद में इतना दम है कि हम पब्लिक प्लेस में बोल लेते हैं। अभी भी लोग हमें देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं झिझक रहे हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी जर्नी के बारे में? कब स्टार्ट करा था आपका मोटिव क्या है? सितंबर के लास्ट में स्टार्ट किया था, 27-28 के आसपास में घूमने से, तो फिर उस समय मैं तो कुछ वीडियोज़ बनाई थी, फिर बाद में वहाँ से आने के बाद उनको कहते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब में डालना स्टार्ट किया जी। तो अभी भी कहीं कहते हैं घूमने गए हैं, तो इसलिए नैनीताल की कभी कभी वीडियोज बना के डाल दे रहा हूँ जी। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रैक लाइन कर रखा जी, कितनी जल्दी होता है, कितने इसमें आता है। एक बार आपने मुझे चैनल का नाम बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल विद नेगी जी जी। आप मुझे सपोर्ट कीजिए और जसान भाई को भी सपोर्ट कीजिए, अच्छे ब्लॉग्स डालते हैं, काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलती है वीडियो से आपको नैनीताल के बारे में भी जी। तो आपका मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कहते हैं चाय पीने के लिए हैं, और ये देखिए ये देखो कहाँ चढ़ गए हैं, ये भी हमारे ब्लॉग, ये भी हमारे ब्लॉग देखते हैं, और ये देखिए कहते हैं ये देखिए नैनीताल के फेमस फोटोग्राफर, और कहते हैं आपने अक्सर मुझे इनकी वीडियो में देखा होगा, नैनीताल के फेमस फोटोग्राफर हैं। फेमस है हम लोग यहाँ अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अब यहाँ चाय पी रहे हैं, पानी चाय हम लोग और पिला रहे हैं सबको, हमें पता चला ये अमित जी की तरफ से है। अमित जी की कहते हैं मोनेटाइजेशन हो चुका है, तो सबके सब बकवास करें किसी तरफ से, नहीं मेरी तरफ से सबके सब बकवास कर रहे अत्याचार नहीं चलेगा, नारी के अत्याचार, दोनों नारी सबसे बारी।